और चारों तरफ सन्नाटा चेक कर सकते हो। क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी ऐसी कैसी है, निकल यहाँ से। तो क्या हाल है, फिर से वापसी। मेरी दोस्त की बहन का नाम है हीरा, मेरी टोई में काटा फिर से एक कीड़ा। तो भाई साहब तीन चैलेंज होने वाले हैं आज। पहला चैलेंज मैंने रोड पे किया, बाहर सो गया। दूसरा चैलेंज मैंने ब्रिज पे किया, ब्रिज पे सो गया। अब तीसरा चैलेंज है उससे भी ज्यादा डेडली। मैं जाके सोऊंगा एक ऐसे एरिया में जहाँ पे लोगों की जाने से फटती है। उस जगह का नाम पता है क्या है, टॉप डेडलीस्ट एरियाओं में उसका नाम आता है। सबसे पहले आता है लियारी, फिर आता है 90, फिर आता है तटी पहाड़ी। तटी पहाड़ी के पहाड़ पे जाके सोएंगे, वहां पे मारखोर की तरह हम लोग बैठेंगे, पूरी रात गुजारेंगे और बकचोदियां करेंगे बहुत सारी। आप लोगों ने हमारा साथ देना, यहाँ से हम बिस्तर कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारा एक दोस्त है जो वहीं रहता है, हमारी थोड़ी हेल्प करेगा कि वहां पे कौन सी जगह बेस्ट है रहने के लिए। बेस्ट क्या, में तो जो मिलेगा हम रह लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, आप हमारे साथ रहिएगा। हम जिंदा रहेंगे या नहीं अब कुछ नहीं पता मेरे भाई। कटी पहाड़ी भाई, सबसे पहले हम लोग जाएंगे वहां पे बाप लोग के पास। बाप लोग वो होते हैं जो उस एरिया में रहते हैं, वो हमें बताएगा, वो हमें बिस्तर वगैरह देगा और उसको मैं साथ के साथ छोड़ दूंगा। साथ का दिल करेगा तो वो रह लेगा, उसका नहीं दिल करेगा तो वो मुझे अकेला छोड़ के चला जाएगा। गाइस सुबह वापस आऊंगा जिंदा या मुर्दा, ये तुम लोगों को पता होगा। मेरा भाई वीडियो अपलोड हुई भी हुई तो समझ जाना मैं जिंदा आ गया भाई। तो भाई हम लोग बहुत करीब है कटी पहाड़ी के और देख सकते हो सन्नाटा, फुल उन फटी वाला माहौल है यहाँ पे। ये एक सेकंड नहीं लगेगा और आपकी तपिश जो है यहाँ पे जिंदा हो सकती है। तो इस वजह से भाई बंदे का साथ होना बहुत लाजमी है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर के रास्ते से और ये देखो ये रास्ता हो चुका है स्टार्ट। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं अभी यहाँ पे। मुझे तकरीबन 500 सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, 500-600 बोली है लोगों ने ना। ये देखो यहाँ से पूरी सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी। अभी मुझे पता नहीं है क्या सीन है, कैसे जाना है, क्या है, जाते आते क्या हालत हो जाएगी हमारी, लेकिन करना है आज। यानी वो देखो वो रही सीढ़ियाँ। तो अब मैं तुम्हें लेके जो है कसम उठाऊंगा शांति की तरह, मैं मन्नत बोल में उठाओ फिर मुझे पहले। तो खैर भाई यहाँ का सीन ये है कि ये कह रहे हैं कि अभी रात हो रही है, रात का टाइम वैसे ही खतरनाक होता है। वो कस्बा वाला क्या बता रहे थे? मैं कस्बा वाला ये बता रहा था कि कस्बा में थोड़ा हालात सही नहीं है वहाँ के। तो मतलब वहाँ के लड़के वगैरह हराम है? लड़के वगैरह है, वारदातें वगैरह करते हैं। मशहूर कटी पहाड़ी एन पी आर में वारदातें होती है, तो मशहूर कटी पहाड़ी है। बाकी अमन व अमान है, आप देख सकते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई? कोई मसला नहीं है, आए अब तुम डरा रहे हो। तुम अभी बोल रहे थे क्या अफसोस से एहतियात देते रहे? नहीं नहीं चार मसला नहीं है, चलते हैं। नहीं नहीं सिंगल भी चले जाएंगे। मैं एक बोल रहा हूँ कि यार दोस्त है कि गपशप मार लेंगे, आप लोग बना लेना अपना, मैं उसे गपशप मार लूंगा थोड़ा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। देखो भाई चैलेंज हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं भाग कर आ जाऊंगा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि भाई हालात सही नहीं है। यहाँ के लड़कों की वहाँ से लगती है, वहाँ के लड़कों की यहाँ से लगती है, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि हमें यहाँ का लड़का समझ के कूट दे। तो भाई अब हम लोग ऊपर चढ़ने जा रहे हैं और ये पहली बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चढ़ने जा रही है। अब इसको सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं साथ भाई, साथ भाई पूरे मलाइका मैम लग रहे हो पीछे से। बच्चे देखो भाई, देख के चलना है, एहतियात करनी है। इन्होंने बोला है बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं और सभी से बोलने लगी है। ये देखो साथ में गिरते गिरते बच रहा है। चलो 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 चलो, थक गया मैं तो। और अगर यहाँ से अल्लाह ना करे बंदा गिरे, चार पाँच साल बाद चल रहा हूँ वह नहीं करो हमारी मोहब्बत में। हाँ ना देख लो यार, ये सब मेरी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत तेरे पैरों तले रो गई। हब्बा कहाँ हो, बड़बत हो गई ये चाहिए भाई। बंदे देख रहे हो नीचे रह गए हमारे बंदे, और ये दो बंदे हमारे ऊपर, ये अभी और भी है ऊपर, और भी बहुत है अभी, बहुत है। हाँ ये एक जगह है भाई, ये यार वो तो इस्लामाबाद की भी ऐसी तैसी कर रहा है अभी। सोचो अगर यहाँ पे चाय का होटल बना दिया जाए और सामने ये नज़ारा हो, अरे यार। अच्छा ये जगह है किसी की? अच्छा नीचे घर है, फैमिली रहती। बकचोदी करेंगे तो पकड़ के मारेंगे वो लोग। क्यों मारेंगे हमें ना, साथ भी आ रहा है पीछे। एहतियात विल बी ट्राई टू इट, यहाँ से गिरे तो सीधा टांग टूटेगी। शाबाश, अब ऊपर चढ़ना है वापस से। और भाई ये सारे घर हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं यार। सीढ़ियाँ कहाँ हैं? यहीं से आना है, यहीं से आना है ना। अभी इधर से सारा नज़ारा दिखेगा।
आ जाओगे तुम लोग साथ को पकड़ लो मेरा। आओ सही है सही है, कोई मत आजा जवान चल चल ऊपर चढ़ ऊपर चढ़। तो हो गई अब्बा फाइनल। आप नजारा देख लो कसम से, आपकी सारी मेहनत जो है वसूल हो जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा यार, यार नजारा देखो जैसे चक चक का आ रहे हैं चक्कर। बैठ गया ना सुकून से, अभी तो पॉटी भी निकलेगी तेरी, पैंपर पहन कर आया नहीं ना लीक हो जाएगा। तो भैया अब आ चुके हैं ऊपर और यहाँ से तकरीबन सब कुछ दिख रहा है, फिशरी दिख रहा है, काला दम का मदार दिख रहा है, केड़ीए दिख रहा है, नाजाबाद दिख रहा है, सरीना की बिल्डिंग दिख रही है, वो नाजाबाद दिख रहा है। लेकिन मसला ये है कि वीडियो में नहीं आ सकेगा, आपको मैं काला दम का मदार दिखाता हूँ। दिखाइए वाइट कलर का एक मेरा, ये काला दम का मदार है छोटा सा, और ये येलो लाइट दिख रही हैं आपको, ये सारी येलो लाइट, ये है फिशरी, और तकरीबन पूरा कराची दिख रहा है यहाँ से। और अभी तकरीबन रात के बज रहे हैं, एक बज रहा है, अब देखो कब तक रुक सकते हैं, क्योंकि बस ऊपर से कोई बड़वत ना हो हमारे साथ। कह रहे हैं कि फायर वायर खुल जाते हैं, लड़के देख लेते हैं तो फायर वायर खोल लेते हैं, तो बस एहतियात करनी है। तो भाई बकचोदी डालते डालते तकरीबन अभी हो गया है एक घंटा और गुजर गया, ये देखो टाइम क्या आ रहा है, दो बज गए, और पहाड़ इनकी चरस चल रही है, और एक तरफ अंजुम सुनो, और सामने ये नज़ारा। हाँ जी ये सारे आएंगे ना झुंड में, मैं लड़ू अपने आप से, कॉल विद अ विन विन, स्टार्ट तेरा करियर के दिन गिन। ओए होए 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 होए, अभी मुझे पता नहीं है और कितनी देर रुकना पड़ेगा फजर। देख रहे हो ये आवाज़ आ रही है, इस चीज़ का डर लग रहा है, फायरिंग का डर लग रहा है, और कुछ भी नहीं है। कौन सी ना यार, कोई मुश्किल थोड़ी है, बस फट रही है थोड़ी थोड़ी मेरी, कि यार फ्यूचर हूँ ना यार मैं पाकिस्तान का, बच्चों की इंस्पिरेशन हूँ, कहीं कुछ ना हो जाए यार। भाग खुदा, इतना टाइम हो गया, बातें बातें सब खत्म हो गई, गाने खत्म हो गए, अभी तक टाइम नहीं गुजर के दे रहा, अभी सिर्फ आधा घंटा गुजरा, ढाई बज रहे हैं रात के, और साथ भाई कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ भाई ये कौन सी औरत की कब्र है, ये उर्फी जावेद की कब्र तो नहीं है? ये देख लग रहा है, मेरा पूरा पैर लाल हो गया। अच्छा कटी पहाड़ी यहाँ पर है साहब, ये एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है पुलिस वालों से बचाने के लिए। मुझे इतनी देर से लग रहा है कि भाई के हाथ पे लगी हुई है, बाद में पता चला ये तो चीज है। साथ भाई फ्राई होए खाओगे चॉकलेट? ऐसा नहीं लग रहा, नाक का चूहा लगा हुआ है। चलो यार एक दफा ट्राई मारते हैं ऊपर चढ़ने की, अगर मेरा ट्राउजर फट गया तो गाइस आपको जो है नवाज शरीफ दिख जाएगा। ये कुछ और दिख रहा है यहाँ से, मेरे साथ ही है, जिंदा नहीं हो जा, झुक जा अब्बा, ये कस्बा है अब्बा, एनपीआर है, तुमने मेरी बुंड पाड़ दी थी अब्बा, क्या कर रहे हो अब्बा? रहने दो यार, मजाक मस्ती अपनी जगह, नीचे आ जाओ। अबे लाइट तो हटा ले, इंची दिख रहा है, अबे घुटने खराब है मेरे, वायलिंग हो गई, टक टुक टक टुक की आवाजें आ रही है। तो यार अभी अब हो रहा है हमारे आराम करने का टाइम, और थोड़ा जिनके दिलों में सफाई मिले। मैं एक बात बताता हूँ, जब एक दौर था ना 2008 और 9 का, जब एक जमाना हुआ करता था कि भाई वाला दौर और वो भड्डे फसाद, ये वही कटी पहाड़ी थी, क्योंकि ज़रा सा आगे जाएंगे कटी पहाड़ी शुरू होगी, तो ये वही कटी पहाड़ी थी जहाँ पे मतलब लाशों के पहाड़ मिला करते थे भाई साहब। यहाँ से अलग फायर हो रहा है, वहाँ से अलग फायर हो रहे हैं, आज यकीन नहीं हो रहा मेरी फटके चार हुई है, आज उसी जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, और आगे पता नहीं क्या सीन होने वाला है। अभी टाइम 4:15, हमारा मसला ये है कि हम हीरो बनने के चक्कर में जो है कुछ भी लेके नहीं आए, ना खाना ना पीना कुछ भी लेके नहीं आए, और अब लग रही है बहुत ज़बरदस्त वाली भूख। तो गाइस धुआं निकल रहा है मेरे मुंह से, इतनी ठंड है, और चारों तरफ सन्नाटा चेक कर सकते हो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया, रुक जा मैं गिर जाऊंगा, सावन सावन में गिर जाऊंगा, रुक जा यार, रुक जा भाई एक मिनट, साथ साथ रहे यार, ये सी अबे मैं गिर जा, स्लिप हो जाऊंगा, रुक जा, गिरा था ना वहां पे, हां जल्दी निकल, जल्दी निकल यार, यानी तुमने हमारा भी किया था यार, ऊपर नहीं जाने, नीचे जल्दी कैसे आए नीचे,
भाग है जानी, हम तो हमारा तो ये घर है, हम तो आते रहते जानी। फायर आवाज आई थी तुम्हें? आवाज तो आई बिल्कुल कनपट्टी तो ऐसा लगा है, बिल्कुल ऐसा कि कनपट्टी के पास आया है वो। नहीं तो जानी बोलते ना, इसको बंद कर दो। तो तकरीबन मुझे 2 दिन लगे इस ट्रॉमा से निकलने में। मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा कंटेंट है ये जो मैं कभी भूल नहीं सकता कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। बेसिकली हुआ कुछ ये था कि वहाँ पे लड़के वगैरह बैठते हैं, 4 यहाँ बैठ गए, 5 वहाँ बैठ गए, 6 वहाँ बैठ गए, फिर 3 वहाँ बैठ गए, इस तरीके से बैठते हैं। अब अननोन कोई भी बंदा आता है ना, देखो पहली बात तो ये कि आप वहाँ पे बिना शलवार कमीज़ के नहीं जा सकते। वहाँ के जो होमीज हैं, वहाँ पे लोग वगैरह रहते हैं रिहायशी, अगर हैं तो आप उनके साथ जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते, मतलब खाली होकर आओगे। उनके साथ हो तो वो तुम्हारे पीछे जान भी दे देंगे, सही है। हमने फजूल की होशियारी की थोड़ी सी, कॉन्टेंट बनाने के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा और आगे निकल गए। वहाँ पे हम लोग हो गए अकेले, ये लोग पीछे के पीछे वहीं बैठे हुए थे, ये लोग भी घूमते फिरते मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गए थे जब फायर हुआ था। मैंने अपने डिफेंड के लिए फायर किया था कि उनको लगा कि कोई शायद अननोन रेट वगैरह पड़ी है या कुछ भी, तो उन्होंने फायर खोला। यहाँ से हम लोग फिर भाग गए वहाँ से, वो लोग ऑलरेडी नीचे पहुँच चुके थे, उन्होंने बुलाया जैसे तैसे करके आए। और भाई जिंदगी का ये मेरा वाहिद ऐसा कंटेंट, ऐसी वीडियो हो गई जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। यहाँ तक मेरे कानों में चैम्बर खींचने की आवाज आई थी। और जिंदगी ने अगर मौका दिया तो इस चैलेंज को हम 100% पूरा करेंगे हर हाल में। बाकी अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना, सही है। लव यू, बाय।